आइए हजरात, गमखार साहब के बाद इस वक्त शोबे अदब का वो अजीम नाम मैं आपकी मुनसफाना फिक्र की अदालत में पेश करने जा रहा हूँ। बहुत उम्दा उम्दा अशार हमारे मौलाना गमखार हुसैन साहब पेश कर रहे थे और क्या उम्दा तजमीन, मैं मुबारकबाद देता हूँ कि क्या उम्दा गिरा आपने लगाई है। हमारे मोहतरम खुर्शीद मुजफ्फर नगरी साहब भी तशरीफ़ फरमाएँ। अच्छा, मैं देख नहीं पाया इसलिए बाद में मैंने सलाम किया। बहरहाल देखिए, कहीं कहीं पे मुलाकात अगर ज़्यादा होती हो जिन बुज़ुर्ग शख्सियात से, उन्हें हमेशा पेश नज़र रखना चाहिए। हमारे खुर्शीद भाई तशरीफ़ फरमाएँ। आइए सरजमीन मालेगाँव चलते हैं और मैं अम्मार इकबाल के मिसरों के साथ मैं वहीं चलता हूँ कि जिस अदब के माथे के झूमर हैं इस वक्त हमारे डाइस पे, दो नाम ताहिर फराज साहब और अल्ताफ ज़िया साहब। अल्ताफ ज़िया साहब को मैं आपके हवाले करूं, लेकिन अम्मार इकबाल साहब के इन मिसरों के साथ के रंग और रस की हवस और बस, ये हमदे बारी ताला की है उन्होंने गजल के स्टेज पे, मैं यहां पढ़ रहा हूं। रंग और रस की हवस और बस, मसाला दस्त रस और बस। या आप सो गए या मिसरे नहीं पहुंचे। रंग और रस की हवस और बस, मसाला दस्त रस और बस। यूं गुंधी है रगे जिस्म की एक नस टस्से मस और बस। कोपागंज है माशाल्लाह, क्या अच्छा लगता हुआ मजमा है। यूं गुंधी है रगे जिस्म की एक नस, मेरे अंदर का नाजिम ना जगाइए, एक नस। मास्टर साहब ने यूं ही जो है, हाँ जाहिर सी बात है बेड़ियां डाल रखी हैं, लेकिन फिर भी मैं आजाद हो रहा हूं के यूं गुंदी है रगे जिस्म की एक नस तस्से मस और बस। 40 साल के बाद वालों के लिए पढ़ रहा हूं। हर मुसव्विर का हर शाह, उस मुसव्विर का हर शाहकार, मिसरा उठाइए इसी को हुस्ने समात कहते हैं। उस मुसव्विर का हर शाहकार 60-65 बरस और बस। उस मुसव्विर का हर शाहकार 60-65 बरस और बस। अरे लहजे का शेर सुनिए साहब, 60-65 बरस और बस। सब तमाशाए कुन खत्म शुद, कह दिया उसने बस और बस। सब तमाशाए कुन खत्म शुद, कह दिया उसने बस और बस। सैयदे लफ्ज जब अपने फिक्र के कैद खानों में लफ्जों को कैद करके उन्हें लिबादे आदाब से आरस्ता करता है, तो बिखरे हुए मोतियों को अदब की डोर में पिरो देता है कि जिससे एक तस्बीह मुरतब होती है, लोग पढ़ पढ़ के अदीब हो जाते हैं। ऐसी शख्सियात हमारी फहरिस्त में हैं। मैं बड़ी अदब व एहतराम से हर पल्तमास लेके बढ़ रहा हूँ मोहतरम अल्ताफ ज़िया मालेगामी साहब की खिदमत में कि वो आएँ और अपना कलाम मोमिनीन की खिदमत में पेश करें। आप हजरात, इससे पहले कि वो कलाम पेश करें, आप एक बाआवाज़ बुलंद सलावात से उनका खैर मकदम फरमाइए। मैं इसलिए जिंदा हूँ कि मैं बोल रहा हूँ, मैं इसलिए जिंदा हूं कि मैं बोल रहा हूं। दुनिया किसी गूंगे की कहानी नहीं सुनती। मेरे सामने जो लोग बैठे हैं वह अहले ज़बान हैं, अहले सुखन हैं, अहले फहम हैं। मैं सलाम अर्ज करता हूं और अपनी बात शुरू करता हूं यहां से कि जो कम नसब है बस एक वाकया समझते हैं। इस मजमे का एक एक फर्द शरीक हो जाए, अगर एक बंदा भी खामोश रहा तो मैं समझूंगा कि अब मुझे इसके बाद कुछ भी नहीं पढ़ना है, सीधे अपनी जगह बैठना है। लेकिन मेरा ईमान है, मेरा यकीन है कि इस महफिल का कोई बंदा मेरे इस मतले पर खामोश नहीं रह सकता। पेश करता हूँ, मुलाहजा फरमाया। जो कम नसब है बस एक वाकया समझते हैं। आप सबकी भी बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी है और आप जिम्मेदारियाँ निभा भी रहे हैं। जो कम नसब है बस एक वाकया समझते हैं, जो कम नसब है बस एक वाकया समझते हैं, जो हक परस्त है वो करबला समझते हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। जो कम नसब है बस एक वाकया समझते हैं, जो कम नसब है बस एक वाकया समझते हैं, जो हक परस्त हैं वो करबला समझते हैं, जो हक परस्त हैं वो करबला समझते हैं। अली का इल्म, अली का अमल, अली का आलम,
अली का इल्म, अली का अमल, अली का आलम खुदा समझता है या मुस्तफा समझता है? खुदा समझता है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अली का इल्म, अली का आलम, अली का अमल खुदा समझता है या मुस्तफा समझते हैं? खुदा समझता है या मुस्तफा समझते हैं? अपने जलते हुए सीने की दवा चाहते हैं। कोपा वालों, ये मैं बहुत सजा बचा करके आप तक ये मिसरे लाया हूँ और इसकी आप हिफाजत भी कर रहे हैं। पेश करता हूँ, अपने जलते हुए सीने की दवा चाहते हैं, अपने जलते हुए सीने की दवा चाहते हैं, कूफा वाले भी मदीने की हवा चाहते हैं। अपने जलते हुए सीने की दवा चाहते, खुर्शीद भाई ताहिर साहब, अपने जलते हुए सीने की दवा चाहते हैं, अपने जलते हुए सीने की दवा चाहते हैं, कूफा वाले भी मदीने की हवा चाहते हैं। एक भिखारी की तरह, मांगने वाले की तरह, खुद को हम आपकी गलियों में पड़ा चाहते हैं, खुद को हम आपकी गलियों में पड़ा चाहते हैं। शायरी की हिफाजत करने वाला ये कस्बा, ये शहर, एक शेर पढ़ता हूँ। जो कम नसब हैं बस एक वाकया समझते हैं, जो हक परस्त हैं वो करबला समझते हैं, अपने जलते हुए सीने की दवा चाहते हैं, कूफा वाले भी मदीने की हवा चाहते हैं। हम में रहते हैं जिया ऐसे भी कुछ लोग के जो साथ फिरौन के हैं और असा चाहते हैं। हम में रहते हैं, बहुत शुक्रिया, हम में रहते हैं जिया तकवीम भाई, हम में रहते हैं। बहुत अच्छा भाई, वाह वाह, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। हम में रहते हैं जिया ऐसे भी कुछ लोग के जो साथ फिरौन के हैं और असा चाहते हैं, साथ फिरौन के हैं और असा चाहते हैं, अपने जलते हुए सीने की दवा चाहते हैं, कूफा वाले भी मदीने की हवा चाहते हैं, कूफा वाले भी मदीने की हवा चाहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। साथ फिराओं के हैं और ऐसा चाहते हैं। पेश करता हूं, किस तरह करे कैसे कहे, लेकिन एक चांस दे रहा हूं और वो चांस आप गवा ही नहीं सकेंगे। पेश करता हूं, किस तरह कहे कैसे कहे और कहीं है, किस तरह कहे कैसे कहे और कहीं है, किस तरह कहे है।
मतलब वैसे नहीं सुना गया जैसे सुना जाना चाहिए, लेकिन ये एक शेर पढ़ के देखता हूँ। अब्बास की महक है ये, अब्बास ही है बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बढ़िया। वो शख्स वफादार है गद्दार नहीं है, किस तरह कहे कैसे कहे और कहीं है। अब्बास की महफिल है ये, अब्बास ही है, अब्बास ही है। बहुत शुक्रिया, एक मुकम्मल कलाम जिसकी बहुत फरमाइश है मेरे पास। मैं मौलाना सरकार मुबल्लिग़ फ्रांस मोहम्मद साहब कबला यहाँ मौजूद हैं, मैं उनका बहुत एहतराम करते हुए ये कलाम पहुँचाना चाहता हूँ। मेरे बहुत ही मोहतरम लेख साहब जो अदब के बहुत मद्दा हैं, मैं उन्हें भी सलाम अर्ज़ करता हूँ। और इस मजलिस के जो सदर मोहतरम हैं, मैं उनसे भी इजाज़त चाहता हूँ, मोहब्बतें चाहता हूँ। और मतले से मुझे इल्म होना चाहिए कि आप लोग बिल्कुल वही हैं जैसा मैं छोड़ कर गया था। पेश करता हूँ मतला मुहाजा फरमा, सुन। जब कदम मैंने रखा अब्बास के परचम तले, बोले पूरा मजमा बोले, जब कदम, अगर मिसरा लगता जाए सलीके से तो मैं चाहूंगा कि बेईमानी मत करें आप। पेश करता हूं लाजा पर, जब कदम मैंने रखा अब्बास के परचम तले, जब कदम मैंने रखा, जब कदम मैंने रखा अब्बास के परचम तले, हो गया दिल आईना अब्बास के परचम तले, हो गया आईना अब्बास परचम तले, हो गया दिल आईना अब्बास के परचम तले, आईना दिल हो गया अब्बास के परचम तले। बहुत शुक्रिया। अहले हक के जो मुसाफिर थे यहाँ सब आ गए, अहले हक के जो मुसाफिर थे यहाँ सब आ गए, काफला दर काफला अब्बास के परचम तले, अब्बास के परचम तले। अहले हक के जो मुसाफिर थे यहाँ सब आ गए, काफला दर काफला अब्बास के परचम तले, अब्बास के परचम तले। और बतौर खास शेर उलमा तशरीफ़ फरमा है, मेरे सीनियर शोरा तशरीफ़ फरमा है,
सबकी सबकी और ख़ास तौर से मेरे मोहतर एहतराम साहब की, मास्टर साहब की दुआ चाहता हूँ। शेर पढ़ता हूँ तब की भाई देखिएगा। कौन, एक मरतबा फिर वो शेर पढ़ दूँ कि हम में रहते हैं जिया ऐसे भी कुछ लोग के जो साथ फिरौन के हैं और ऐसा चाहते हैं। कौन दोज़ख में जलेगा, कौन जन्नत पाएगा, कौन दोज़ख में जलेगा, कौन जन्नत पाएगा, हो चुका है फैसला अब्बास के परचम तले, चुका है फैसला अब्बास के परचम तले, हो चुका है फैसला अब्बास के परचम तले, हो चुका है फैसला अब्बास के परचम तले। अब बिलखुसूस शेर पढ़ता हूँ तमाम शोरा के हवाले से, मुलाहजा फरमाए। नजीर बाकरी साहब मेरे बहुत ही मोहतरम यहाँ बैठे हैं, पेश करता हूँ शेर, मुलाहजा फरमाए। शायरे आले पयंबर की सनद हासिल हुई, शायरे आले मोहम्मद की सनद हासिल हुई, शायरे आले पयंबर की सनद हासिल हुई, शेर नाजिल हो गया अब्बास के परचम तले, अब्बास के परचम तले शेर नाजिल हो गया अब्बास के परचम तले, शेर नाजिल हो गया अब्बास के परचम तले। अब बिलखुसूस देखिएगा ये शेर, जगमगा उठे हैं देखो दीन के सारे चराग, मिसरा लग गया हो तो इसी तरह मोहब्बतें जाओ, जगमगा उठे देखो दिन के सारे चराग, दिन के सारे चराग सर झुकाती है हवा अब्बास के परचम तले, अब्बास के परचम तले सर झुकाती है हमारा अब्बास के। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत सर झुकाती है हमारा अब्बास के परचम तले, सर झुकाती है हमारा अब्बास के परचम तले। अब इसमें जो दो तीन चार शेर हैं, एक शेर इसमें ऐसा है कि अभी सुल्तानपुर कल प्रोग्राम था, मुझसे 18 मरतबा पढ़वाया गया, अब इम्तिहान आपका है कि वो शेर कौन सा था। ये चार में शेर में पढ़ने जा रहा हूं, अब उसमें आप ये आप बताएंगे मुझे कि आपको कौन सा शेर पसंद है। पेश करता हूं लाजी,
अब्बास के परचम, ये उर्दू में लिखा हुआ है, नहीं उसको सही तो लिखवाए क्या है, अब्बास के परचम तले सुन आएगी। बहुत अच्छा है भाई, एक मर्तबा सलाम कर दे। अल्लाह सुन आएगी जनाबे फातिमा जहरा जरूर। होशियार रहे दूसरे में से, सुन जरूर, पढ़ रहा हूं बरसिया अब्बास के परचम तले, अब्बास बहुत सुन जहरा जरूर, पढ़ रहा हूँ मरसिया अब्बास के परचम तले। पढ़ रहा हूँ मरसिया अब्बास के परचम तले, पढ़ रहा हूँ मरसिया अब्बास के परचम तले। अभी भी आप नहीं पहुंचे वहां तक। पढ़ रहा हूँ मरसिया अब्बास के परचम तले। एहतराम भाई देखिएगा, लईक साहब मोहम्मद सरकार साहब देखिएगा शोर पर, रोजाए रोजाए सरवर पे लहराता है गाजी का आलम, देख लो तुम ताजिया अब्बास के परचम तले। मोहतरम अल्ताफ ज़िया साहब को मैं इस शेर की खुसूसी मुबारकबाद पेश करता हूँ। सुन आएगी सुन आएगी जनाबे फातिमा जहरा जरूर, पढ़ रहा हूँ मरसिया अब्बास के परचम तले, पढ़ रहा हूँ मरसिया अब्बास के परचम तले। रोजाए रोजाए सरवर पे लहराता है गाना,
निकालूं। देख लो तुम ताजिया अब्बास के परचम तले। भैया हार नहीं है, आपके जीत का ऐलान है। बहुत रहिए भाई। देखिए इन्हें मुबारक इस बात की है कि दोनों भाइयों को जिस तरीके से इन्होंने पेश किया एक साथ, जीते रहे सलामत रहे, फिर ये कह पड़ी है। तुम ताजिया अब्बास के परचम तले। देख लो तुम ताजिया अब्बास के परचम तले। सुनिएगा गम्फार साहब, अब्बास के परचम तले। देखिएगा आप ये जितने लोग हैं मेरे डाइस पर, जितने मोहतरम लोग हैं, ये सब फिर से मुझे अपनी दुआओं से नवाजेंगे। पेश करता हूँ अब्बास के परचम तले। बाकी साहब देखिएगा, किरताज भाई आपकी भी दुआएं। जब तुझे दुनिया सताए और बेचैनी बहे, हो गया। जब तुझे दुनिया सताए और बेचैनी बहे, जा जरा सा बैठ जा अब्बास के परचम तले। अब्बास के परचम तले, जा जरा सा बैठ जा अब्बास के परचम तले। सिलसिले से क्या होता, बहुत शुक्रिया। जरा सा बैठ जा अब्बास, जरा सी ही में काम हो जाएगा भाई। बहुत बहुत आपने नवाज दिया। एक शेर पढ़ता हूँ और मुलाहजा फरमाए। अब्बास के परचम तले। मैं भटकता फिर रहा था तीरगी के दस्त में, मैं भटकता फिर रहा था तीरगी के दस्त में। मिल गई मुझको जिया अब्बास के परचम तले।
देखिए दोस्तों, ऐसा है, मैं ये जो जा रहा हूँ ये आने के लिए नहीं जा रहा हूँ। ये जो माइक है ना, अब कहूँगा तो ख़राब लगेगा उसे, ये बिल्कुल वही काम कर रहा है जो करबला में हो रहा था। मतलब पढ़ता हूँ, सुने, देखिएगा। दीन की बका हुसैन है, देखिए कैसे सजे सजाए मिसरे आए हैं मौला के करम से। मेरा कुछ भी नहीं है दोस्तों, ये सब अल्लाह गवाह है, अल्लाह गवाह है, ये सब उसी की अता है। पेश करता हूँ आज दीन की मका हुसैन है, दीन की बका हुसैन है। और अगर आप साथ दें मेरा तो मैं सलीके से पढ़ सकूं। दीन की बका कज़ा हुसैन है, कुफ्र की कज़ा हुसैन है, दीन की बका हुसैन। दीन की बका, दीन की बका हुसैन है, कुफ्र की कज़ा हुसैन है, कुफ्र की कज़ा हुसैन है। सुने, संग कर रहे तेरा, हमारी महफिलों में वो भी होते हैं जिनका कोई धर्म नहीं होता। उनसे जब पूछा जाता है कि आप क्यों आए, तो कहते हैं कि आप हुसैन का नाम लेते हो दिल खुश हो जाता है। पहुंचाता हूं उसे, कुफ्र की कज़ा हुसैन है, कुफ्र की कज़ा हुसैन है, संग कर रहे तेरा, ऐसा आईना हुसैन है, ऐसा आईना हुसैन है। कोपा वालो, फिक्र ही नहीं मुझे मेरे, 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 दर्द की दवा हुसैन है, दर्द की दवा हुसैन है, दर्द की दवा हुसैन है, दर्द की दवा हुसैन है। शेर पेश करता हूं मुलाजा फरमाए, सिर्फ हम नहीं, डाइस पर दूसरा मिसरा जहन में गूंजेगा, लेकिन करम फरमाए ना बोले तो इन्हें अच्छा लगेगा। सिर्फ हम नहीं यजीद भी जानता क्या हुसैन है, जानता था क्या हुसैन है, जानता था क्या हुसैन है, जानता था क्या हुसैन है। सुने, मेरी बख्शिशों का आसरा, मेरी बख्शिशों का आसरा, मेरी
बख्शिशों का आसरा, मेरी बख्शिशों का आसरा, मेरी बख्शिशों का आसरा, मेरा मुद्दुआ हुसैन है, मेरा मुद्दुआ हुसैन है, मेरा मुद्दुआ हुसैन है, मेरा मुद्दुआ हुसैन है। शेर देखिएगा, क्यों भटक रहे हो दर बदर, 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 सीधा रास्ता हुसैन है, सीधा रास्ता हुसैन है, सीधा सीधा रास्ता हुसैन है, सीधा रास्ता हुसैन है। ये विषय देखिएगा, जाते मुस्तफा है आईना, देखिएगा बहुत अच्छा सुन रहे हैं आप, वरना जिन्हें कुर्सियां मिलती हैं वो खामोश हो जाते हैं, लेकिन यहाँ बोलने वाले बैठे, टोकने वाले बैठे। जाते मुस्तफा है आईना, जाते मुस्तफा है आईना, जाते मुस्तफा है आईना, जाते मुस्तफा है आईना, अक्स मुस्तफा हुसैन है, अक्स मुस्तफा, अक्स मुस्तफा हुसैन है, अक्स मुस्तफा हुसैन है। इतराम भाई, ये पूरा मजमा अगर खड़े होकर के मेरे इस शेर का इस्तकबाल ना करे तो मैं आज के बाद ये शेर नहीं पढ़ूंगा जो पढ़ने जा रहा हूं। शेर पढ़ता हूं, मुलाजा फरमाए। सर झुका के जबर ने कहा, 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 सब्र का खुदा हुसैन है, सब्र का खुदा हुसैन है, सब्र का।